नमस्ते दोस्तों, मोना चौहान के चैनल सौकार सुहानी लोक गीतों की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह महाशिवरात्रि आने वाली है, तो हमारे भोलेनाथ जी के भजन अब हमारे चैनल पर दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक बहुत ही प्यारा सा श्री शंकर जी का भजन हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, क्या मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब शंकर भगवान जी पार्वती जी से पूछते हैं कि अरे, पहले तो ऐसा तुम्हें कोई शौक नहीं था, तो ये अचानक ये कहाँ से लग गया? तो माता पार्वती क्या कहती हैं वो आप ध्यान से सुनिए। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। सुन करके गौरा की भोले ने ये समझाया, सुन करके गौरा की भोले ने ये समझाया, एक ओघड़ दानी के पास होती नहीं है माया, एक ओघड़ दानी के पास होती नहीं है माया, जो जैसे रहते हैं उनको वैसे दो रहने, जो जैसे रहते हैं उनको वैसे दो रहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब क्या था, अब पार्वती माँ को तो मानना नहीं था, तो शंकर जी भगवान को मानना पड़ा पार्वती माँ का कहना। तो अब शंकर जी क्या कहते हैं सुनिए। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना, चुटकी भर भस्मी लेकर बोले कुबेर के जाना, वहां से इसके जितना तुलवा कर सोना लाना, वहां से इसके जितना तुलवा कर सोना लाना, चुटकी भर में क्या होगा रा सोच रही मन में, चुटकी भर में क्या होगा सोच रही मन में, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने,
मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब क्या होता है कि चुटकी भर भस्मी को देखकर माँ को ताज्जुब तो बड़ा होता है, पर क्योंकि भगवान पर विश्वास होता है उन्हें, तो चुपचाप जो है वो चुटकी भर भस्मी लेकर और कुबेर जी के यहाँ पे चली जाती हैं। और वहां क्या होता है वो अब आगे आप आगे सुनिए। वहां पर कुबेर के वहां पर जाकर वो कुबेर जी से कहती हैं कि ऐसे ऐसे ये भस्मी मुझे शंकर भगवान जी ने दी है और इसको तोल कर इसके बराबर जो है सोना आप मुझे दे दीजिए। तो जब माता रानी कुबेर जी से ये कहती हैं तो कुबेर जी को भी बड़ा तरस आता है माँ के ऊपर में, और क्या वो सोच मन ही मन में वो सोचते हैं कि अरे भगवान जी ने इनको आज क्या क्या मजाक करने की सूझी जो इन्हें मेरे पास ही चुटकी भर सी भस्मी लेकर भेज दिया। तो अब देखते हैं कि ये चुटकी भर जो भस्मी है ये क्या करती है। तो चलिए, एक पलड़े पर सोना दूजे पर भस्मी डाली, एक पलड़े पर सोना दूजे पर भस्मी डाली, सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी, सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। अब माँ को समझ में आता है कि भस्मी जो है उसका क्या महत्व है, क्या राज है। तो अब माता रानी को पछतावा होता है और अब माता रानी क्या कहती हैं वो आप ध्यान से सुनिए। क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में, क्यों जाऊं औरों के खजाने भरा हो जब घर में, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा तुम ही हो मेरे गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा तुम ही हो मेरे गहने। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। तो ये था आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा शंकर पार्वती जी का भजन, और हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की इसको। तो अगर आपको सचमुच पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि हमारे न्यू वीडियो की जो भी न्यू अपडेशन है वो समय से पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप कृष्ण भजन सुनना पसंद करते हैं तो एक बार जाकर हमारे दूसरे चैनल जेसी कृष्ण भजन पर जाकर मुलाकात जरूर लीजिए। जैसे आपने हमें इस चैनल पर सपोर्ट किया है, कर रहे हैं, वैसे ही उस चैनल पर भी अपना प्यार बरसाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।